अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अज़र रब्बानी फूड व्लॉग्स एंड कुकिंग में फिर एक बार हाजिर है। फ्रेंड्स, मैं इस वक्त हूँ सतार टिक्का बारबेक्यू हाउस पे। पिंडी की बहुत ही मशहूर जगह है बारबेक्यू के लिहाज से और टिक्का आइटम के लिहाज से। गर्मी बहुत सख्त है, लेकिन मेरे कुछ गेस्ट आए हुए थे और उन्होंने कहा कि हमने यहीं जा के टिक्का खाना है। तो आए, आज आपको सतार टिक्का हाउस दिखाते हैं और इन पे ऑर्डर करते हैं और बताते हैं कि इनका बारबेक्यू कैसा है। अच्छा फ्रेंड्स, हाजी अब्दुल सतार साहब बैठे हुए हैं हमारे साथ, इनका बहुत बहुत शुक्रिया इन्होंने अपना टाइम दिया। तो हाजी साहब, आप कितने अरसे से हैं इधर? हम जी सन 71 से। अच्छा फ्रेंड्स, 78 मेरी डेट ऑफ बर्थ है, तो मैं 42 इयर्स का हूँ, तो ये 71 से हैं, तो कम से कम 49-50 इयर्स से ये इधर हैं। तो हाजी साहब ने मुझे इजाज़त भी दी है वीडियो बनाने की। हाजी साहब को हम ज़्यादा तंग नहीं करते इसलिए कि वो ऑर्डर शॉर्डर प्लेस कर रहे हैं, लेकिन अब हाजी साहब ने रिटायरमेंट ले लिए, लेकिन मिसाले वगैरह तो सारा कुछ तो वो आपकी अपनी एक्सपर्टी होगी, नहीं करते वो। मैंने सुबह इनका व्लॉग देखा है तो वकार भाई कह रहे थे कि जी ये हमारी मोहब्बत है और हम गोश्त खुद जाके सिलेक्ट करते हैं और सारा कुछ और उसकी बोटियाँ अपने सामने खुद बनवाते हैं। तो जब बंदा खुद इंटरेस्ट ले रहा हो तो डेफिनेटली उसके हाथ में टेस्ट भी आता है और उसकी चीज़ें अच्छी भी लगती हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या ऑर्डर दिया है और फिर उसका ऑर्डर टेस्ट भी करते हैं। हाजी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा फ्रेंड्स, हम सतार टिक्का बारबेक्यू हाउस पे पहुंच चुके हैं और अभी हाजी अब्दुल सतार साहब से ज़रा बातचीत भी करते हैं। और ये सामने इनके बेटे हैं जो कि बारबेक्यू लगा के खड़े हुए हैं और ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं और आपको बताते हैं कि हमने ऑर्डर क्या क्या दिया है। ये हमारे वकार भाई हैं और वकार भाई को हम छेड़ेंगे नहीं क्योंकि ये इस वक्त इनका पीक टाइम है। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया, मैंने सुबह एक व्लॉग देखा है तो उसमें वकार भाई बता रहे थे कि हम लोग खुद गोश्त लेकर आते हैं और उसकी बोटियां हम अपने हाथों से खुद करते हैं और सफाई हम खुद करते हैं, तो हमारा खलूस और हमारा प्यार इसमें शामिल होता है। तो जब 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 जिस बंदे का प्यार जिस चीज़ में शामिल हो जाए तो वो चीज़ खुद बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छा फ्रेंड्स, सतार बारबेक्यू टिक्का के साथ ही गुजरावाला फूड्स एंड बटेरा हाउस है और माशाल्लाह देखें कितने सारे चिकन्स के कपड़े उतार दिए गए हैं, उनको नला धुला के उनको मसाला लगा के हाफ कुक करके यहाँ पे रखा हुआ है और जैसे ही ऑर्डर आता है तो फिर उसको तेल के अंदर डाल दिया जाता है और डीप ग्रिल करके डीप फ्राई करके उसको दे दिया जाता है। और ये मेरे भाई बड़ी फुर्ती से चपातियाँ बना रहे हैं, चपाती एक्सपर्ट। और फ्रेंड्स, ये सीख कबाब कढ़ाई बन रही है सतार टिक्का हाउस पे। सीख कबाब को हाफ डन करते हैं या पूरा बना के फिर पूरा जी हाफ डन करके ना कोयले पे हाफ डन करके और फिर उसको कढ़ाई के अंदर टमाटर में डाल के और ये कढ़ाई बन रही है इसकी। जैसे जैसे इनका ऑर्डर कंज्यूम होता जा रहा है वैसे वैसे पीछे ऑर्डर जो है ये लगाते जा रहे हैं सीख कबाब। और ये पूरा एक मैकेनिज्म है, एक पूरा सेटअप है डेफिनेटली, ताकि पीछे से सप्लाई आती रहे। अच्छा फ्रेंड, सतार टिक्का हाउस का मैं थोड़ा सा रास्ता भी बता दूं कि अगर आप मरी रोड से आते हैं तो आप कॉलेज रोड की तरफ टर्न कर जाएं, जिस रोड के ऊपर सेवर फूड है, सेवर फूड को आप क्रॉस करेंगे तो आगे हलीम घर आएगा और हलीम घर के फौरन बाद थोड़ा सा आगे आएंगे तो लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर हाजी सतार टिक्का बारबेक्यू हाउस है जो कम से कम पिछले 50-60 सालों से यहाँ पर लोगों को टिक्के खिला रहा है।
और कोई बहुत ही अन्य किस्म के टिक्के होते हैं इनके और बारबेक्यू आइटम्स होते हैं, तो आज मैं भी ट्राई करूँगा। ऑर्डर दे दिए मैंने कुछ सीख कबाब, कुछ टिक्का, कुछ मलाई बोटी, और उन्होंने मुझे आधे घंटे का टाइम दिया। आधे घंटे के बाद खाना आता है, टेस्ट करते हैं और फिर आपको बताते हैं। अजय जी, बहनों और भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह खाना आ चुका है। सीन कुछ इस तरह है कि हमने सीख कबाब मंगवाए थे, साथ मलाई बोटी थी, बीफ सीख कबाब और बीफ टिक्का, और सलाद रायता शायता सब कुछ आ चुका है। और अब आपका भाई इसको टेस्ट करेगा और फिर आपको बताएगा कि क्या सीन बना है। अच्छा फ्रेंड्स, खाना हमारे पास पहुंच चुका है, जैसे मैंने आपको दिखा दिया है। अब इनका बीफ टिक्का एक ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़बरदस्त, गरम गरम और इंतहाई टेंडर किस्म का टिक्का है इसका, गलावा और मज़ा आ गया। और सीख कबाब भी ट्राई कर लेते हैं। आला, थोड़ा सा स्पाइसी है, स्पाइसी है लेकिन बहुत ज़बरदस्त है। और मलाई बोटी जो नाम सुना था सतार टिक्का, उसका बिल्कुल सही सुना था, बहुत ज़बरदस्त है। अब आपका भाई खाने पे टूटने लगा है और फिर खाना खाते हैं और उसके बाद में व्लॉग ऐड करेंगे। तब तक आप वेट करें। अल्हम्दुलिल्लाह जी फ्रेंड्स, मैंने और मेरे दोनों बडीज़ ने जो मेरे साथ खाने में हर वक्त साथ होते हैं, उस्मान और वकार ने खाना बड़े पेट भर के खा लिया है। और कोई टिक्के कोई इतने भी शानदार थे कि मुंह में डालते थे और पता नहीं चलता था और चले जाते थे मुंह में। बहुत ही नरम मलाई बोटी भी और सीख कबाब भी, माशाल्लाह। देखें रश एंड है इस वक्त, रात को 11:30 का टाइम है और देखें लोग लाइन में लगे हुए हैं अपने नंबर लगवाने के लिए। खाना हमने भी खा लिया है और घर वालों के लिए थोड़ा सा पैक भी करवा लिया है। तो यहीं हम अपने व्लॉग का एंड करते हैं। आखिर में अज़र रब्बानी को इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सबकी हिफाजत फरमाए, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।